लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की सबलता और प्रबलता के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, और यूसीसी के लिए समान नागरिक संहिता राष्ट्र के लिए जरूरी है, क्योंकि अब कई कानून एक समान हो गए हैं और ये राष्ट्र मां भारती के संतानों को उनकी भावनाओं के अनुरूप सबको विकसित भारत बनाने के लिए, 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के भविष्यवाणी को सत्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हम नमन करते हैं पूरा राष्ट्र हृदय से, उनको धन्यवाद देता है कि उन्होंने जो जो कदम उठाया है राष्ट्र गौरवान्वित हुआ है, और उनके इस कदम से भी भारत का सम्मान बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन लेफ्ट के जो नेता हैं, डी राजा बोल रहे हैं अभी लोगों को कोई काम नहीं है, अब यही एजेंडा लेके लोग आगे चलेंगे। देखिए, वो लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, एनडी गठबंधन के लोग मेढक के तरह उछल के कभी इधर कभी उधर, एक तराजू पर तौला नहीं रहे हैं, कभी कोई बैठाता है फिर उछल के भाग जाता है, और अब लेफ्ट का कोई औचित्य देश के अंदर नहीं रहा है, क्योंकि लेफ्ट के प्रति मेरे भी दिल में सम्मान, जाति से मुक्त वो पार्टी थी, समाज के अंदर संघर्ष की मानसिकता से बाहर निकले थे, विकास की गति में उनकी भागीदारी हो रही थी, लेकिन वो आज समर्पण कर चुके हैं राजद जैसे अराजकता फैलाने वाले पार्टी के सामने, कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी के सामने। इसलिए लेफ्ट के बयान पर अब कोई जनता ध्यान भी नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस जो करेगा लेफ्ट उसकी पालकी ढोएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो नहीं कर्नाटक सरकार पर सवाल करेगी और कह रहे हैं उतनी ही गारंटी के वादा करें जितना आप कर सकते हैं। ये तो चुनाव के समय ही एनकेन प्रकारेन सत्ता में पहुंचने के लिए कई समझौता कर लिए, कई वादा कर लिए, आज उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है, और ये मानसिकता राष्ट्र को कमजोर करता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, वैमनस्यता को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, सत्ता तक पहुंचने के लिए वो कोई भी समझौता और सौदा कर सकता है। हेमंत सोरेन के जो एज पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन दिया है, उस पर बीजेपी कमीशन जा रही है कि उन्होंने गलत एफिडेविट दिया। देखिए, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारी संवैधानिक संस्था पूरी पवित्रता ईमानदारी और बखूबी अपना काम करती है, चुनाव आयोग बहुत बारीकी से देखेगा। ऐसे एनडी गठबंधन के लोग को संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, न संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्था का सम्मान करता है, ये लोग गलती स्वयं करेंगे और कल जब एक्शन होगा तो छाती पीट पीट के लोगों के बीच भ्रम फैलाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएगा। तेजस्वी यादव है, वो कह रहे कल कि झारखंड में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी वाले से बातें करते कुछ नहीं, उन्होंने वहाँ हेमंत सोरेन 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा हुआ है, एनडीए मीटिंग पर भी यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी उसी गठबंधन के एक पार्टनर है जो मुफ्त खोरी की आदत लगा करके दिल्ली में सत्ता प्राप्त किए और मुफ्तखोरी का भाव दिखा करके दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का प्रयास किए, और वो भी बिहार में यही खेल खेले हैं, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं। अरे, बिजली फ्री देंगे, राशन किरासन फ्री देंगे, ये सारे मामले के अंदर आप विकास की गति को कितना बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को कितना रोकेंगे, आतंकवाद उग्रवाद अपराध इस पर कितनी लगाम लगेगी, इस पर वो कभी नहीं बोलेंगे, यही उनका कैरेक्टर है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से काम करता है। तेजस्वी यादव जी, आपको तो संस्कार ही मिला है मेवा खाने का, और आपके इंडी गठबंधन में
सब वंशवादी परिवारवादी लोग हैं, मेवा खाने के ही उद्देश्य से राजनीति कर रहे हैं। जनता पहचान चुकी है, जनता ऐसे लोगों को अब अवसर नहीं देगी। आरसीपी सिंह है, उन्होंने कल अपनी नई पार्टी का लॉन्च किया, आप ही लोग का पार्टी में थे, इससे पहले वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, स्टेट के अंदर भी सैकड़ों पार्टी है, देश के अंदर भी हजारों पार्टी है। जनता का विश्वास जो प्राप्त करता है सेवा के भाव से, उसी की पहचान रहती है। दो चार पार्टी को छोड़ के लोग किसी का नाम भी नहीं जानता है। जो आनंद सामंत है महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता, उन्होंने एक महिला के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है साइना एंट्री के लिए, कैसे देखते हैं? अरे, कांग्रेस से आप क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस परिवारवाद की जमींदारी, अय्याशों की जमात और लोगों के, आम लोगों के मान सम्मान के विपरीत काम करने वाले की जमात है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले मानसिकता है। सांसद को, विधायक को सम्मान कभी दिए हैं? कभी भी किसी का प्रतिष्ठा पर धूमिल करने का खेल खेलेंगे, कुछ तरह इस तरह का बयान देंगे? जब प्रधानमंत्री पर क्या क्या आरोप ने, हत्यारा से लेके क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं? कांग्रेस मर्यादा विहीन लोगों की जमात है और ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। जेपी नड्डा है, वो छठ पर्व को लेकर वो बिहार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार आ रहे हैं। बिहार उनका घर है, हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार का बेटा है, बिहार में उनके पिताजी से लेकर वे स्वयं लंबे समय तक रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और बिहार के प्रति उनका हमेशा हम दर्दी रही है। बिहार की जनता गौरवान्वित है कि आज एक बिहार का बेटा जो बिहार की मिट्टी को जानता है, बिहार के माहौल को समझता है, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार के अंदर जिन लोगों ने अस्वस्थ करने का प्रयास किया है, उनके आने से बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण स्वस्थ बिहार बनाने के संकल्प को भी साकार करेंगे और एक सकारात्मक डबल इंजन की ऊर्जा का संदेश भी जाएगा। लोगों से मिले यहां कार्यक्रम में, आज के जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हमारा होता है और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में, कल दीपावली का पर्व था, उसके बाद भी काफी संख्या में लोग आए हैं। बाहर से, दूर दूर से लोग आए हैं, कई जिले से लोग आए हैं। लोगों की समस्या को त्वरित निष्पादन हेतु हम संबंधित पदाधिकारियों से भी बात किए हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार जनता के प्रति समर्पित है। सभी मंत्री संवाद करते हैं, लोगों के भाव को समझकर उसके समाधान और निदान के लिए बात करते हैं। आज जमीन से जुड़ा हुआ मामला ज्यादा आया है, सर्वे कार्य से जुड़ा हुआ कर्मचारी पदाधिकारी की शिकायत। हमने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बड़ी गंभीरता से जमीन के मामले को लेकर के संवेदनशील हैं, विभाग के मंत्री भी लगे हुए हैं। कोई कर्मचारी पदाधिकारी जिसका जुनून जमीन है उससे वंचित करना चाहेगा, उसमें गड़बड़ी करना चाहेगा, वो बक्से नहीं जाएंगे। हड़बड़ी नहीं है, जल्दी से निष्पादन का हमको उसको अस्थाई समाधान करना है और अस्थाई समाधान के लिए सर्वे में विलंब हो तो हो, लेकिन कोई गड़बड़ी न हो, ये सरकार की मंशा साफ है और इसके समाधान के लिए सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है।